देश में कहीं बारिश तो कहीं तेज गर्मी का दौर जारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लोगों को इस सप्ताह भी ऐसे ही मौसम का सामना करना पड़ सकता है। आईएमडी ने बताया है कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों समेत कई स्थानों पर लू चल सकती है। वहीं कर्नाटक में भारी बारिश के आसार है। खास बात यह है कि मानसून तय समय से एक दिन पहले ही दस्तक दे चुका है। पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों में भी सप्ताह बारिश के आसार है। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में अगले 4 से 5 दिनों में धूल भरी आंधी चलने के साथ साथ वर्षा होने के भी आसार जताए जा रहे हैं। वहीं आईएमडी ने बुधवार को कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के तहत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 8 जून को गरज और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलने के साथ साथ हल्की बारिश होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। बता दें कि इस दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं, जबकि पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिनों के दौरान लू की स्थिति जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को जानकारी दी है कि अगले 5 दिनों के दौरान मराठवाड़ा में छिटपुट बारिश के आसार हैं, जबकि कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज भी बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश के साथ आंधी और तेज हवा चलने के भी आसार जताए जा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में गुरुवार को ओलावृष्टि भी हो सकती है। जान लेते हैं कि मानसून का क्या हाल है। मध्य अरब सागर के कुछ शेष हिस्सों, कर्नाटक में कुछ शेष हिस्सों, दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ शेष हिस्सों, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, दक्षिणी उड़ीसा, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में अगले 3-4 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ अनुकूल है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और न्यूज़ टिप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।